Planet Bollywood. रणबीर से ब्रेकअप का नहीं पड़ा कटरीना पर सारा भी असर। इतने बड़े गम के बाद भी कैसे रहती है कैट के चेहरे पर मुस्कान। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद भी कैसे चेयरफुल रहती है कटरीना कैफ। कैसे ब्रेकअप के डिप्रेशन से खुद को बचा पाती है कटरीना। तो आज जूम पर एक्सक्लूसिवली कैट खोलेंगी ब्रेकअप के बाद हैप्पी रहने का राज। तो पहले देखिए जूम की कंटेंट एडिटर गरिमा कुमार की ब्रेकअप पर पूछे गए सवाल पर कटरीना का जवाब। हाउ डू यू हैंडल रिलेशनशिप्स, मतलब द अप्स एंड डाउन्स, द ब्रेकअप्स, द यू नो द बिटरनेस दैट कम्स विद इट, वो कैसे करा जाए? आई टेल यू, एक सेकंड, आई टेल यू। ओके, बैंड दादा बजाइए। अरे वाह, गाना दैट्स इट। अब तो आप समझ गए ना कि कैसे कैट इतने बड़े गम के बाद भी मुस्कुराती हैं, मस्ती करती हैं। दरअसल कैट के अकॉर्डिंग तो म्यूजिक सुनकर बड़े से बड़े गम को भुला देती है वो। यहाँ तक कि जब रणबीर से ब्रेकअप की खबरें आई थी उस वक्त वो शूट कर रही थी फितूर, और सुनिए कैसे इन खबरों को म्यूजिक के जरिए किया उन्होंने डील। माय फोन इज प्लेइंग अ सॉन्ग एंड आई एम डांसिंग to the music in my headphones. Like dancing means it was a fast, high energy song. Dance. I'm dancing. I'm music. Going for it. And Adi, you couldn't hear, obviously. Yeah, she didn't see the headphones. So I've taken them off and he's like, listen, are you okay? I'm like, it's Bosco, a great song. He's like, crazy. What song? Like, he's like, okay, this is, you know, it's that time. He's lost the plot. And it's like, Adi, there's a song in my ears. There's a headphones in my ears. So that was, you must have thought I was kind of, even psycho. Bosco, all of us over there were like, what is the psycho doing? Moment? What's she like, doing? No? Maybe this is a thing. You come to the dance hall without any music. She does so many songs. What do you say? Maybe it's a process. Over. Process. You know, no music. Just go, man. Well, कहा जाता है कि म्यूजिक किसी भी तरह का गम मिटा देता है, और लगता है कैट भी कर रही है इसी बात को फॉलो। फॉर आशीष तिवारी, जूम मुंबई।